देश और प्रदेश की धरोहर को साफ सुथरा और सुरक्षित रखना प्रशासन और नगर निकाय का काम है, लेकिन उत्तराखंड आंदोलन के स्थल ही रहा जिला मुख्यालय पौड़ी में लगातार ऐसे महान भाव की अनदेखी की जा रही है जिन्होंने राज्य गठन और अन्य महत्वपूर्ण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर भवन पर बने हेमंती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर उनकी पुण्यतिथि और अन्य आयोजनों में तो उन्हें बहुत याद किया जाता है, लेकिन अन्य समय में मूर्ति की साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है। पौड़ी से मुकेश बछेते की रिपोर्ट। ये रास्ता मेरा रोज आने जाने का रास्ता है और जब भी मेरी नज़र यहाँ पर पड़ती थी तो मुझे मूर्ति गंदी नज़र आई और मैंने अपने नागरिक कल्याण के वरिष्ठ भाइयों से बात की कि भाई क्यों ना एक दिन हम इस मूर्ति को चमका दें। तो उनके सहयोग से और उनके साथ से ही मैं इस काम को, इस सफाई अभियान को पूरा कर चुकी हूँ। और ऐसे महान विभूतियों की जो मूर्तियाँ जो शहर के अंदर है उनकी देख रेख की जो व्यवस्था है वो प्रशासन और नगर पालिका की होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जब इनकी केवल कोई पुण्यतिथि होती है तभी इनकी सहन सफाई की जाती है और उसके बाद इनकी इन पर कोई ध्यान प्रशासन नहीं देता है, ना नगर पालिका क्षेत्र में कोई ध्यान देता है। और चाहे 2 अक्टूबर को जब गांधी जी की मूर्ति जहाँ लगी वो भी केवल 2 अक्टूबर की तो उनकी सफाई होती है।